महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या, जो पहले से ही अरबों रुपए की संपत्ति की मालकिन है, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है उनके पिता निखिल नंदा का, माँ श्वेता भी करती हैं काम बड़ी शानदार तरीके से, डिजाइनर बनकर मॉडलिंग की जगत में भी और नॉवलिस्ट बनकर भी। पर नव्या नवेली को क्या जरूरत किसी बिजनेस कारोबार से जोड़ने की, आखिर क्या जरूरत थी नव्या को अपने पिता के बिजनेस से जोड़ने की? तो आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें, नव्या जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, महिला अधिकारों के लिए नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट चलाती हैं, वो दरअसल अपने पिता और दादा के साथ दिल्ली में ही उनके बिजनेस को देखकर पली बढ़ी हैं। नव्या ने बताया है कि कैसे वो हमेशा से ही अपने पिता और दादा को ट्रैक्टर के कारोबार को चलाते देख चुकी हैं, स्टॉक मार्केट्स के बारे में बचपन से सुनती आई हैं और इसलिए इसके प्रति रुझान उनका बड़ा रहा। एक्टिंग के बजाय पिता के ट्रैक्टर के कारोबार को अब आगे बढ़ा रही हैं नव्या, जिन्होंने अपने बारे में बताया और बिजनेस के बारे में ये बताया कि क्यों उन्होंने बिजनेस से जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने कहा, मेरे दोनों तरफ बेहतरीन विरासत है। मेरे पिता की साइड 4 पीढ़ियों से बिजनेस में है, मैं 4th पीढ़ी। जब लोग कहते हैं कि यह हैरानी भरा रास्ता था तो मैं ऐसा, नव्या ने ये कहा कि बिल्कुल भी रास्ता सही है और इसे लेकर मैं हैरान नहीं होती हूँ, क्योंकि बिजनेस में अपने इंटरेस्ट की वजह वो मानती हैं कि बिजनेस उनके घर का है, ट्रैक्टर की बातें वो सुनती आई हैं, खुद का कुछ करने का एम्बिशन और मोटिवेशन उनका यही से उन्हें मिला था, बिजनेस वुमेन बनने का मोटिवेशन, क्योंकि उनकी माँ भी उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए देखना चाहती थी। उन्होंने अपनी कंपनी के नेटवर्क में आने वाले किसानों डीलर से बात करते हुए मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा और कहा, हमारा कम्युनिकेशन डिजिटल पर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, भले वो ट्रैक्टर खरीदने जैसी साधारण चीज़ हो, लोग अब ट्रैक्टर देखने के लिए शोरूम और डीलरशिप पर नहीं जाना चाहते, वो घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। नव्या का ये परिवार में अपने दादा राजन नंदा और पिता निखिल नंदा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस कारोबार को हमेशा आगे ले जाना चाहती है। हजारों करोड़ों के बिजनेस के लिए नव्या कभी भी दिल्ली नहीं छोड़ेंगी। अपनी माँ श्वेता से उन्हें अलग रहना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है वो। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।